सूरज और अनुपमा का बारिश वाला रोमांस। अनुज ने किया प्यार का इजहार। क्या मिल पाएंगे अनुज और अनुपमा? स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आ गया है मौसम प्यार का, और तभी तो प्यार की बारिश में भीग रहे हैं अनुज और अनुपमा। देखिए तो जब अनुपमा इस भरी बारिश में भीग रही है तो छाता लेकर पहुंच गए हैं अनुज। भाई आज अनुज ने ठान लिया है कि अपने दिल की बात वो अनुपमा से कहेंगे, तभी तो वो अपने दिल की सारी बातें अनुपमा से बयां कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नी डाउन होकर अनुपमा के गले लगकर रो रो कर रहे हैं अनुपमा से अपने प्यार का इजहार। साथ ही वो चाहते हैं कि अनुपमा भी बदले में कह दे कि वो अनुज से अब भी प्यार करती है। मैं तुम्हारे लिए उस अटल फैसले को कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी सर आपको पे रखा, और अपने दिल की हर चोट को हर दर्द को अपने सीने में दबा के पूरी जिंदगी की उदासी को छुपा के किसी और के साथ इतना प्यार के पूरी जिंदगी अपनाने के लिए तैयार हो गया। इसके लिए से लड़के हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुमने देविका के सामने बोला, सबके सामने बोला, तो तुम अभी क्यों नहीं बोल सकती, क्यों नहीं मान रही हो तुम ये बात? नहीं अनु, तुम नहीं जा सकती। 5 साल जिंदगी के सामने बहुत छोटा होता है। 5 साल के इंतजार को उम्र पे भारी मत पड़ने दो। तुम मुझसे प्यार करती हो मैं जानता हूँ, प्लीज प्लीज कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो अनु, प्लीज प्लीज अनु। लेकिन अनुज के इस प्यार को फिर एक बार अनुपमा ने ठुकरा दिया है। जी हाँ, अनुज से अपने प्यार का इजहार करने के बदले अनुपमा ने अनुज को अपने से दूर कर दिया और वहाँ से चली गई। का इजहार बाकी था एंड उन्होंने पहले भी कहा था कि वो प्यार करते हैं, लेकिन तब श्रुति जी थी उनकी जिंदगी में। अब जब श्रुति जी ने कह दिया है कि यू नो मान शुड बी टुगेदर, सो देन अनुज हैज कम टू अनुपमा एंड इट्स अ वेरी बिग मोमेंट। जो मान ऑडियंस है एंड जो अनुपमा की ऑडियंस है, एक तरह से चाहती है कि अनुपमा की ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें हो, हैप्पी चीज़ें हो, और तो बस दिस इज़ अ वेरी अवेटेड मोमेंट एंड आई थिंक इट्स अ गुड सीन एंड अनुज ही बोलते हैं इस सीन में, और क्वाइट अ लॉन्ग सीन एंड वेल परफॉर्म्ड। Gaurav has done a good job, so I am quite excited कि मैं as an audience अनुपमा की audience बनकर ये scene देखूं। वैसे ये सीन फिल्माने में अनुपमा यानी कि रूपाली को बेहद ही मजा आया, क्योंकि ये है सीरियल का हाई पॉइंट, लेकिन इसके पीछे भी है काफी मेहनत। कभी कभी मैं बहुत ऐसे तंग आ जाती हूँ, कभी कभी ऐसे हैवी कपड़े पहन के थक जाती हूँ, पर यह है कि हर पल यही लगता है कि भगवान की कृपा है कि काम है, और हर एक पल जो मुझे कैमरा के सामने मिल रहा है ना, इट इज़ अ ब्लेसिंग। तो चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी, मुझे कुछ फील नहीं होता। मुझे इवेंचुअली आई हैव टू पुट आउट माय बेस्ट परफॉर्मेंस। अनुपमा की एक एक लाइन मुझे यू नो जो राइटर ने लिखी है, कुछ सोच के लिखा होगा कि अभी तो इतने 4 साल बाद कि मेरी अनुपमा ऐसे बोले, क्योंकि कैरेक्टर उनका है, राजन जी का है, सारे राइटर्स का कैरेक्टर है, सारे डायरेक्टर्स का कैरेक्टर है। इट्स वो जो कहना चाहते हैं इस कैरेक्टर के ज़रिए, ये वो कैरेक्टर है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मुझ पर कि मुझ पर या किसी भी एक्टर पर कि हम उसे उस तरह से पोर्ट्रे करें, एंड इट्स जस्ट दैट एवरी लाइन कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। एवरी लाइन हैज़ टू बी सेड विथ अटमोस्ट डेडिकेशन, अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू द राइटिंग,
एंड दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू एंड बाकी सब ठीक है चलता रहता करने वाली चलता चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस, मैं सीरियसली कहूँ एक्टर्स बनते हैं ताकि उन्हें रिकग्निशन मिले, एंड जब रिकग्निशन मिलती है तो फिर उसके बाद क्यों से दूर भागते हैं कि अरे नहीं नहीं फ़ोटो नो प्लीज़ प्लीज़ नो फोटो, अरे क्या के लिए, इसीलिए तो आप एक्टर बने हो कि सारे लोग आपको जाने आपसे फ़ोटो खिंचवाएँ। हाँ तो बेसिकली हम एक्टर्स बनते ही हैं ताकि लोग हमें पहचाने हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाएँ एंड यू नो हमारे काम को पसंद करें, जो हमारा एक जो कला है जो मैं कहूँगी भगवान की मेहर है, वो जो कला है जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं एंड इट इज़ दैट रिकग्निशन दैट यू वर्क हार्ड फॉर। सो अगर कोई लोग आपसे मिलने आते हैं तो इट इज़ ओनली सबसे कम चीज़ आप जो उनके साथ कर सकते हो उनके लिए कर सकते हो इज आप उनके साथ फ़ोटो खिंचा लो। मेरे लिए तो मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड होता है अपने फैंस को लेकर, चाहे मेरे फैंस हो चाहे किसी के भी फैंस हो, चाहे यू नो अनुपमा के किसी भी एक्टर के फैंस हो, मैं उन सबको जेन्युइनली हाथ जोड़ के थैंक यू कहती हूँ कि आप सब लोग इतना समय हमें देते हैं, इतना सारा प्यार हमें देते हैं एंड यू नो यू राइट सो मच एंड यू इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों का फीडबैक मिले, एंड नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि हमारे शो लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। तो चलो ठीक है, कुछ कुछ बुरा भी लिखते हैं पर ठीक है ठीक है ठीक है, लिखिए लेकिन एक दायरे में लेकर लिखिए, हक बनता है आपका लिखने का, हर कैरेक्टर आपका है, जैसे कोई एक यू नो एवरीथिंग दैट इज़ क्रिएटेड बाय द मेकर, राजन जी हैज़ क्रिएटेड दिस कैरेक्टर्स एंड गिवन इट टू यू ऑल, सो ऑब्वियसली यू हैव अ राइट टू गेट एंग्री विद द कैरेक्टर, टू गेट अपसेट विद द कैरेक्टर, टू हेट अ कैरेक्टर, टू लव अ कैरेक्टर, टू लाइक अ कैरेक्टर, टू फील अ कैरेक्टर इज़ योर ओन। जब आप उसके साथ कनेक्टेड हो तभी तो आप ये सारे इमोशंस महसूस कर सकोगे उस कैरेक्टर के लिए। अगर आपको अपनापन ना लगे उस कैरेक्टर को लेकर तो उस पर आपको गुस्सा नहीं आएगा, उसकी आप बुराई नहीं करोगे, मतलब आप थोड़ी ना जाकर कहीं किसी मतलब ऐसे दूर दूर के कहीं किसी जानते नहीं हो पहचानते नहीं हो उसकी थोड़ी बुरे बुरे करो। ठीक है आप हमें अपना समझते हैं इसलिए हमारे बारे में इतना कुछ लिखते हैं और हमें इतना समय देते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल, आई फील वेरी ग्रेटफुल टू फैंस, जेन्युइनली आई फील वेरी ग्रेटफुल। भाई अनुज ने तो अपने दिल की बात अनुपमा के सामने रख दी है, अब फैसला अनुपमा का है, देखना होगा कि क्या अनुपमा भी अपने प्यार का इजहार करेगी या फिर कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आपको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट का हाथ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ आप तो हैं हम अवेलेबल आपके व्हाट्सएप पर भी, तो बस जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, नाम तो आप सब जानते ही हैं सास बहू और पेटियाँ।